हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी का। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो जजेस के रिगार्डिंग जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दे रखी हैं, इनका रिमूवल कैसे होगा, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो रिसेंटली दो जजेस को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, दैट इज़ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड जस्टिस के वी विश्वनाथ, दैट इज़ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज़ डी चंद्रचूड। सो आपको पता है विद देयर इंडक्शन द कोर्ट हैज रीच्ड इट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। सो जहां पर आपको 34 जजेस में से 33 जजेस देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, और यहां पर एक जो जज होंगे दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो यहां पर इन दोनों की अपॉइंटमेंट के बाद जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है दैट इज 34, वो कंप्लीट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज 34, 33 प्लस वन, एंड दैट प्लस वन इज फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। सो वील स्टडी जो भी यहाँ पर आपके प्रिलिम्स के लिए एज वेल एज मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट वी विल कवर। सो सबसे पहले हाउ आर दी सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड। सो अगर हम कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सो ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट हैड 8 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ओवर टाइम, एंड नाउ अगर अभी हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 34 जजेस हैं, जिसमें 33 जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखने को मिलेंगे, एंड वन विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो ओरिजिनली आपको पता होना चाहिए कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी, तो याद रखना है दैट इज 8 जजेस, और अब कितनी हो चुकी है, दैट इज 34 जजेस, राइट। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर दी क्वालिफिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही देखिए जो भी आर्टिकल्स जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उनके आर्टिकल नंबर भी याद रखने होते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं आर्टिकल कौन सा है, दैट इज 124 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ ही और शी, नंबर वन, अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए जो क्वालिफिकेशंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर चॉइस। सो अगर हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर टू, मस्ट हैव सर्वड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स और 2 सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। सो अगेन आपको देख सकते हैं यहां पर ही मस्ट हैव been a judge of the High Court. Alternatively, must have an advocate of the High Court for at least 10 years. यहाँ पर या तो वो जज रह चुके हों या फिर वो हाई कोर्ट में एक एडवोकेट की तरह काम कर चुके हों फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो ये जो क्लॉज 4 है आपको ये फोर्थ पॉइंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कि एक और कंडीशन पे भी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। कब? ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यहां पर अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी है उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। सो यहां पर ये वाली जो कंडीशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट जजेस। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। आर्टिकल नंबर क्या है? 124। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो दीज आर दी क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। सो द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। सो बेसिकली आर्टिकल कौन सा याद रखना है? 124। अपॉइंटमेंट कौन करता है? दैट इज द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू मेक दी इन्फॉर्म्ड अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पर जजेस केसेस जो हुए थे वो भी हम रेफर करेंगे आपकी लास्ट स्लाइड में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर हम आर्टिकल 124 की बात करते हैं क्लॉज 2, सो इट इज द प्रेजिडेंट हु अपॉइंट्स द जजेस। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ओथ ऑफ द ऑफिस। सो आप देख सकते हैं एवरी अपॉइंटेड जज मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ बिफोर द प्रेजिडेंट। सो यहाँ पर ओथ कौन दिलवाएगा? दैट इज द प्रेजिडेंट or an appointed person by the president only. So oath किसके द्वारा दिलाई जाती है? That is the president. Next, the oath includes commitment to uphold the constitution, sovereignty and integrity of India and perform duties without fear of favor. Now again, ये बहुत important हो जाता है। देखिए oath में ये क्या चीज़ को लेते हैं? That is uphold the constitution, number one. Number two, sovereignty and integrity of India.
एंड परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर. सो अगेन जो भी ओथ्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, चाहे फिर हम प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दे आर दी प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करते हैं. सो डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स में जुडिशरी एक पिलर है, जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इट इज दी प्राइम फीचर, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि इट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो भी हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनको बचाने का, उनको रखने का जिम्मा किसके ऊपर है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिकम वेरी वेरी क्रूशियल, एंड दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कि वो ओथ किसकी लेते हैं. सो सबसे पहले अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर टू सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर. राइट, सो दीज आर दी ओथ ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जजेस. नेक्स्ट टेन्योर एंड रेजिग्नेशन की अगर बात करते हैं, सो देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर अ जजेस अपॉइंटमेंट. सो कोई मिनिमम एज नहीं है, ये याद रखना है. नंबर टू, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्व्स अंटिल दे रीच द एज ऑफ 65 ईयर्स. अगेन यहाँ पर मिनिमम एज कोई नहीं है, बट मैक्सिमम एज यहाँ पर अटेन कर, अगर आपकी 65 ईयर्स है तो आपका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा. अगर आपने रिजाइन करना है, सो हाउएवर अ जज में रिजाइन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स. अब रेजिग्नेशन देना किसको है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपसे काफी बार पूछा जाता है. सो इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो अगर आपने रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन किसके पास जाएगा, दैट इज प्रेसिडेंट. नंबर टू, जब अपॉइंट किया जाता है तो अपॉइंट भी कौन करता है, दैट इज द प्रेसिडेंट. Right, so this is tenure and resignation. Now we'll talk about the salaries and allowances. So salaries and allowances, privileges jo bhi di jati hain, leaves, pension of the Supreme Court are determined by the Parliament. Kaun decide karta hai? It is decided by the Parliament. Jo salaries, pensions ya fir allowances of the Supreme Court judges hain, they are charged upon the Consolidated Fund of India. Very important. Yahan se bhi question pooch sakte hain ki agar hum salaries and allowances ki baat karte hain, to yahan par किस पे चार्ज किया जाता है, दैट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एंड अगर कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर करनी है तो ये कौन डिटरमिन करेगा, इट विल बी द पार्लियामेंट. आई होप यहां तक क्लैरिटी है. सो दैट इज द सैलरीज एंड अलाउंसेस. नाउ जब पोस्ट रिटायरमेंट जो भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो यहां पर आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं. आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ इन एनी कोर्ट इन इंडिया और प्लीडिंग बिफोर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी. दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. सो यहां पर आप देख सकते हैं जब उनकी रिटायरमेंट एज हो जाती है उसके बाद दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम the practice of law. Right, as per article 128 of the constitution, any retired judge of supreme court of india can be called back to sit and act as a supreme court judge by the chief justice of india with the prior permission of the president. Very important. Ye jo statement hai ye upsc 2021 mein bhi pucha gaya tha, isiliye important ho jata hai. Dekhiye, अगर हम पोस्ट रिटायरमेंट की बात करते हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ, नंबर वन. नंबर टू, लेकिन कभी अगर ऐसा देखा जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो इनकमबेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, जो आपके पुराने जजेस हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो यहां पर एक्टिंग जज की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन प्रायर परमिशन किसकी चाहिए, दैट इज द प्रेसिडेंट. This is what you need to remember, right? So these are the post-retirement restrictions. Now we'll talk about the removal. So आप देख सकते हैं, again he can only be removed by an order of the president. Appointment किसने की है, president? Removal भी कौन कर सकता है, that is the president. Now the removal process requires an address by each house of the parliament, supported by a special majority. Again very important. अगर आपने किसी judge को remove करना है, उसके procedure के लिए जो bill pass किया जाएगा वो बिल कैसा होगा, कैसे पास होना चाहिए, बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, यहां पर आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मेजॉरिटी चाहिए, एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग.
सो अगेन आपको पता ही है स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, उसी से ये बिल पास हो सकता है, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्राउंड्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. लेकिन जब हम यहाँ पर प्रूवन मिसबिहेवियर की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इस पर साइलेंट है कि प्रूवन मिसबिहेवियर क्या होगा, इनकैपेसिटी क्या होगी, ये एज सच डिफाइंड नहीं है. तो इसलिए आपको याद भी रखना है, अगर हम प्रूवन मिसबिहेवियर की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिफाइंड व्हाट विल बी मिसबिहेवियर, राइट. सो पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटिंग एंड एड्रेस एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रूविंग द मिसबिहेवियर. सो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगा, एक कमिटी बिठाई जाएगी, वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि प्रूवन मिसबिहेवियर था, इनकैपेसिटी थी कि नहीं थी, राइट. सो आप देख सकते हैं वंस अपॉइंटेड जजेस कैन सर्व अंटिल द एज ऑफ 65 एंड कैनॉट बी रिमूव्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर. इनको रिमूव नहीं किया जा सकता अगर उन्होंने इस कंडीशन पे प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी है तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उनका टेन्योर कब तक रहता है, दैट इज 65 इयर्स तक. डन. सो दिस इज द रिमूवल. नाउ वील सी दी कोलेजियम सिस्टम. सो आप देख सकते हैं अगर हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, सो इट इज अपॉइंटेड थ्रू अ कोलेजियम सिस्टम. अब कोलेजियम सिस्टम होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है उसके लिए कमिटी बैठती है, उस सिस्टम को कहा जाता है कोलेजियम सिस्टम. उस कोलेजियम सिस्टम में आपको देखने को मिलता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी चार जो सीनियर मोस्ट जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलते हैं वो यहां पर अपॉइंट करते हैं नए जजेस को, राइट. सो दिस इज द कोलेजियम सिस्टम. सो यहां पर अपॉइंटमेंट ये करेंगे, एलिवेशंस होंगी या फिर ट्रांसफर करा जाएगा, तो अगेन ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लिया जाएगा कोलेजियम सिस्टम से. अभी जो कोलेजियम है इट इज नॉट मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. नाउ कोलेजियम सिस्टम हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट दिस इज अ कन्वेंशन और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बाद ही आपको कोलेजियम सिस्टम का एक फ्रेमवर्क देखने को मिला है. अब वो कोलेजियम सिस्टम कैसे बना है वो हम देख लेते हैं. सो आप देख सकते हैं ये कोलेजियम सिस्टम का इवेंट्स आपको पता होने चाहिए. अगर हम 1981 की बात करते हैं, इट वॉज द लैंडमार्क जजमेंट जहां पर फर्स्ट जजेस केस होल्ड हुआ था. यहां पर एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दी गई थी ओवर द सुप्रीम कोर्ट. सो यहां पर कहा गया था कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, दिस रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्रिमसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. सो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात माने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात माने ना माने उनके ऊपर है. तो यहां पर प्रिमसी किसको दी गई थी, दैट इज एग्जीक्यूटिव्स को, कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं किसको, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि एट द एंड अपॉइंट कौन करता है, दैट इज द प्रेसिडेंट, राइट. सो सबसे पहले ये बोला गया था कि यहां पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाएंगे उसमें प्रिमसी किसकी होगी, मतलब उसमें डिसीजन किसका होगा, दैट इज द एग्जीक्यूटिव. सो यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल था वो काफी कम था. ऑन द अदर हैंड जब हम 1993 की बात करते हैं जिसमें आपको सेकेंड जजेस केस देखने को मिला, वहां पर जुडिशरी ने क्या कहा, इट इंट्रोड्यूस द कोलेजियम सिस्टम. यहां से जो कोलेजियम सिस्टम है उसकी इंट्रोडक्शन हुई है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस. कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. अब उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का यहां पर मतलब है कॉन्करेंस, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया वो फाइनल होना चाहिए. यहां पर एग्जीक्यूटिव को प्रिमसी नहीं दी गई और यहां पर एक कोलेजियम सिस्टम डिफाइन किया गया. सो इट एडेड दैट इट वॉज नॉट द सीजीआईस इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्मड इन कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट जजेस. सो उन्होंने बोला कि सिर्फ यहां पर सीजीआई का रोल नहीं होगा, यहां पर एक कोलेजियम सेटअप किया जाएगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ये जो तीन लोग हैं ये एक नाम भेजेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा. यहां पर कॉन्करेंस है उसकी, कंसल्टेशन नहीं है, इट मींस कॉन्करेंस. सो इट वॉज द एवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम फ्रॉम 1993.
नेक्स्ट हम 1998 देखते हैं, जिसको थर्ड जजेस केस भी कहा जाता है. सो यहाँ पर यही कहा गया है दैट सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू अ 5 मेंबर कमिटी. नाउ जो कोलिजियम सिस्टम है, यहाँ पर आपको एक CJI देखने को मिलता है एंड 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पर एक्सपेंशन करी गई है. पहले 3 मेंबर कोलिजियम सिस्टम था, अब कितना हो गया है, 5 मेंबर कोलिजियम सिस्टम हो गया है, जिसमें एक CJI है और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, राइट. सो दिस वॉज दी थर्ड जजेस केस. अगर हम 2015 की बात करते हैं तो यहाँ पर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू NJAC बनाया गया था, विच इज नोन एज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट ऑफ 2014. बट 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड करार दिया गया और ये जो कोलिजियम सिस्टम है जो अभी तक चल रहा था सेकंड जजेस और थर्ड जजेस के केस में, वही आपको वैलिड होता हुआ दिख रहा है. सो अगेन यहाँ पर क्या दी गई है कि ये जो जुडिशरी है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटरवीन नहीं करने चाहिए, जिससे कि इंडिपेंडेंट वर्किंग होती रहे. सो कोलिजियम सिस्टम आज भी वैलिड है. यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, इट इज़ अ 5 मेंबर्ड बॉडी जिसमें आपको CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट मेंबर्स जजेस देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, किसकी होगी, राइट. अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को नाम दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ही हैज टू कॉन्कर. सो कॉन्करेंस यहाँ पर होनी चाहिए, कंसल्टेशन नहीं है. दैट वॉज प्रोनाउंस्ड बाई दी सेकेंड जजेस केस इन 1993, राइट. सो दीज आर दी कोलिजियम इवेंट. नाउ अगेन देखिए, अभी तक हमने जितने भी करे तो हमने जजेस जुडिशरी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रिलिम्स के लिए बनते हैं वो दैट वी हैव कवर्ड. नाउ वील प्रैक्टिस इन MCQ रिगार्डिंग दिस. सो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड स्टेटमेंट है, द सैलरीज पेंशन एंड अलाउंसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज अपॉन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. सो अगेन आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. यू हैव द ऑप्शन 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, और इज डी नीदर 1 नॉर 2. इफ यू हैव लिसन टू द वीडियो केयरफुली यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजिली. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो जज रिटायर हो चुका है उसको CJI वापस बुला सकता है एक एक्टिंग जज की तरह, और यहां पर प्रायर परमिशन किससे लेनी होगी, प्रेसिडेंट से लेनी होगी. तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर लिखा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करते हैं तो किस पे होल्ड होता है, दैट इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो आंसर आपका क्या बन जाता है, दैट इज ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो दिस वॉज इट, जहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक इवन द कोलिजियम सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.